हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं एजी कंप्यूटर। दोस्तों, क्या आपको पता है, जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं तो जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि कोई ऐसा भी फार्मूला होता है कि हम फार्मूला टाइप करेंगे और वो नंबर जो है वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, सिर्फ एक फार्मूला से। तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ऐसा एक फार्मूला होता है जो कि मैंने अपने वीडियो में बताया है काफ़ी डिटेल से। तो उसके लिए एक कोड की ज़रूरत होगी, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नोटपैड की फाइल है तो उसको आप डाउनलोड कर लेना, तो वो कॉपी पेस्ट करके हमने कैसे करना है वो हमने आपको बता दिया है इस फॉर्मूले में। तो ये फार्मूला आपके काफ़ी हेल्प करेगा आपके काम करने में। तो कैसे करना है इसकी डिटेल सारी हमारे वीडियो में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अपनी एक्सेल शीट को ओपन कर लेना है। तो ये देखिए, हमने एक्सेल शीट को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले आपको नंबर, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं कोई, और यहाँ पे हमें उसे वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो एक फार्मूला की सहायता से हम उसे कन्वर्ट करना आपको बताएंगे। तो उससे पहले आपको करना क्या है, आपके फाइल डिस्क्रिप्शन में एक फाइल पड़ी हुई है नोटपैड की, उस फाइल को आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसको ओपन करिए सिंपली। जब ये ओपन हो जाए तो इसमें कोड लिखा हुआ है, इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा, उसके बाद इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना, फिर इसको बंद कर देना। उसके बाद आप अपनी दोबारा से एक्सेल फाइल ओपन करना, और उसके बाद यहाँ पे देखिए डेवलपर टैब लिखा हुआ है, ये डेवलपर टैब पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है, विजुअल बेसिक हमें ओपन कर लेना है। विजुअल बेसिक खोलने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट मेनू में जाके हम यहाँ पे मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। अब इसमें क्या करना है, वही वाला कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, कंट्रोल वी बटन दबाया और ये पेस्ट हो गया। फिर उसके बाद हमें इसको कर देना है बंद। अब देखिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम बराबर स्पेल, SPE, ये देखिए बराबर स्पेल नंबर आ गया। अब हम इसको नंबर को सिलेक्ट कराएंगे, ब्रेकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये देखिए, जो भी वैल्यू लिखा हुआ उसका कितनी सिंपली में एक फार्मूले की वजह से सारा अपना वर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब चाहे आप जितनी बड़ी अमाउंट लिख दीजिए, अपने आप ये देखें कन्वर्ट हो जाएगा वर्ड में। आपको करना क्या है, बस एक फार्मूला लगा देना है। अब देखिए, इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा दिया, तो यहाँ पे जीरो लिख के आ रहे हैं। अब कोई भी यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से ये यह अपने आप उठा लेगा, लेकिन ये उठाएगा तभी जब आप वो कोड वाली फाइल डेवलपर टैब में मॉड्यूल में जाके आप उसे पेस्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मेरे कंप्यूटर में तो डेवलपर टैब खुल ही नहीं रहा है, तो सही सोच रहे हैं आप। तो डेवलपर टैब ओपन करने के लिए देखिए, जब हमारा जो एक्सेल होता है फ्रेश एक्सेल, उसमें हमारा डेवलपर टैब ओपन नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। तो उसको ओपन करने के लिए हम फाइल मेनू में जाएंगे, उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है, उसका नाम ही ऑप्शन है, तो हम उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से कस्टमाइज रिबन सेलेक्ट करेंगे। कस्टमाइज रिबन सेलेक्ट करने के बाद देखिए, यहाँ पे एक डेवलपर लिखा हुआ है, इसमें अभी टिक है, जब हम इसको अनटिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ से अपने आप डेवलपर टैब हट जाएगा। तो दोबारा से लगाने के लिए एक बार दोबारा देखिए, फाइल मेनू में जाएंगे, ऑप्शन वाली बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कस्टमाइज रिबन में। जी हाँ, कस्टमाइज रिबन में जाके हम क्या करेंगे, सिंपली डेवलपर टैब को हम टिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट ये डेवलपर टैब अब हमेशा के लिए ही ओपन हो गया। जब भी हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे, तो ये डेवलपर टैब अब बाय डिफॉल्ट जो है ओपन हो जाएगा। तो देखिए कितनी सिंपली से हम कुछ भी, अगर कोई फॉर्मेट बना रहे हैं, कोई फॉर्म बना रहे हैं, कोई बिल बना रहे हैं, अगर उसमें इस तरह का हमें देना है तो स्पेल नंबर बहुत ही काम आएगा ये आपके, तो ऐसे हम सिंपली कर देंगे। अगर हमारा वो कोड वहाँ पे पेस्ट नहीं होगा तो देखिए, हम एक बार यहाँ से फाइल में जाके न्यू फाइल ले लेते हैं। ये देखें, हम न्यू फाइल ले लेंगे। अब न्यू फाइल में तो देखिए हमारा पेस्ट नहीं है, हमारा जो कोड है वो न्यू फाइल में अभी पेस्ट नहीं है। ये देखिए, इसको हम यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब उसके बाद हम इसको कर देंगे बंद। ये देखिए, डोंट सेव कर दीजिए। ये देखो रिस्टार्ट, और इसको हमने बंद कर दिया। अब हम दोबारा से अपना एक्सेल खोलते हैं। ये देखें,
यदि आपके आपके सामने एक्सेल खुल गया और ये फाइल ऐसे ही है हमारे पास, ये देखें। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे न्यू, और न्यू वर्कबुक यहाँ पे हमने ऐड करा दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर, ये देखिए। अब यहाँ पे हम लिख देंगे वर्ड, हमें वर्ड में करना है तो हम वर्ड लिख देंगे, और नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम फार्मूला लगा रहे हैं स्पेल नंबर का, स्पेल, ये देखिए नंबर फार्मूला अपने आप उठा भी नहीं रहा। अगर हम टाइप भी कर देते हैं इसको, तो अब देखिए क्या आपके सामने लिख के आएगा, क्या ये कन्वर्ट होगा बिना कोड के, ये देखिए ये कह रहा है एरर। अब इसी फाइल में हम देखिए क्या करेंगे, डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक ओपन करके इंसर्ट, और उसके बाद मॉड्यूल, और यहाँ हम मॉड्यूल सिंपली कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको हम कर देंगे बंद। अब देखिए, अब दोबारा लगाते हैं फॉर्मूले को, स्पेल, ये देखिए स्पेल नंबर आपके सामने लिख के आ गया। तो आप इतना ध्यान देना, ये कोड हमारी फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है ओपन करके डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट करानी बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। अब इंटर करेंगे तो देखिए कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात और आपको ध्यान देने वाली है, अब ये फाइल तो हमारी बन गई, अगर इसको हम सेव करेंगे ना, तो ये देखिए इसको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। अब हम यहाँ से सेव कर दिया और ब्राउज में आए, और डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो एक्सेल वर्कबुक नहीं करनी है हमें, हमें एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक करनी है। ये देखिए अब हमारा माइक्रो लग गया ना, हमारा कोड कॉपी हो गया। देखिए जो माइक्रो होता है, वीबीए माइक्रो के अंदर हमने आपको बताया था पहले, एक पार्ट होता है एडवांस एक्सेल में वीबीए माइक्रो, तो ये वीबीए माइक्रो के अंतर्गत ही आता है जो भी हमने आपको बताया है। बेसिक बहुत छोटी ट्रिक है, आप कोड सिंपली पेस्ट करके आप इसको बना सकते हैं, लेकिन आप जब फाइल सेव करेंगे तो यहाँ फाइल का नाम डालेंगे, आप कुछ भी डाल देना। यहाँ पे हमने लिख दिया एजी कंप्यूटर, उसके बाद इनेबल माइक्रो वर्कबुक, इसको आपने ज़रूर लगाना है, और उसके बाद सेव कर देना है फाइल को। तो हमारी फाइल देखिए सिंपली सेव हो जाएगी, ये देखें, और इसमें ऐसा एक निशान भी बन के आएगा। सिंपल वाली में फाइल में देखिए नहीं बना है, देखिए दो फाइलें हैं, एक में माइक्रो इनेबल है, तो उसका यहाँ पे सिंबल भी शो हो रहा है। तो देखिए कितनी सिंबल सिंपल से हमने अपना नोटपैड का जो कोड लिखा हुआ है उसको कॉपी करके और पेस्ट करके कितनी आसानी से हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया, जो कि आपको बहुत ही काम आने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ऐसा करके आप कोई भी बिल बना रहे हैं तो उसमें बड़ी अमाउंट लिखी है, अब देखिए अगर बहुत बड़ी अमाउंट लिखी है तो उसको पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, और हमें उसको कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। इसमें 1 सेकेंड में चाहे करोड़ों की हो चाहे जितनी बड़ी अमाउंट लिखी हो, इसमें अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा वर्ड में। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपके काम लायक हो और पसंद हो अगर आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल